इनकार का कोई फायदा नहीं था। क्यों फायदा नहीं था यार? कम से कम तुम्हारे ताया को तो तुम्हारे साथ देना चाहिए था ना। ताया ताई तो मेरे पेरेंट्स थोड़ी हैं, वो तो अपनी और आपके लिए नहीं निकली। उन्हें पता है ये सब किरण ने किया? जाहिर है उन्हें सब पता है, ताया कोई बच्चा थोड़ी है। उन्होंने ही तो उसे फोन दिलाया था। उन्होंने फिर भी किरण को कुछ नहीं कहा? मैंने कहा ना, बुरी औलाद के लिए अच्छे माँ बाप नेमत होते, हर बुराई पर पर्दा डाल देते। हाँ वैसे एक बात की हैरत है, उन्होंने अभी तक जुहेब को कुछ क्यों नहीं बताया? यही तो उनकी मेहरबानी है मुझ पर। तुम्हें पता तो है उसके बारे में, कितना जज्बाती है। अगर ये सब कुछ पता चलता तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करता। उसका खैर क्या ही रिएक्शन होना, उसकी तो अपनी ही एक्टिविटीज। खैर अपनी एक्टिविटीज मतलब? कुछ नहीं, तुम ताया की फिक्र करो, उन्हें क्या जवाब दोगी? उन्हें अब ताई बताते हैं, जो भी बता दें। मेरा दिमाग तो सोच सोच कर पिलपिला हो चुका है, मैं मजीद कुछ नहीं सोचना चाहती। अपने जो खेल खेल रहे मेरे साथ खेल ले। मुझे तुम्हारे ताया से ही उम्मीद नहीं थी, वो तो तुम्हारे अपने थे। फिर भी अपने होते ना तो फिक्र करते, सवाल नहीं करते। जैसे उन्होंने एक मर्तबा भी किरण से नहीं पूछा कि तुम किरण के पास था तो मैसेज मैंने कैसे किया। जाहिर है सब जानते थे, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत रखी, चाहे मैं बेइज्जत हो जाऊं सबके सामने। अगर ये कल मेरे पास होता ना तो मुझे कासिम के साथ नहीं आना पड़ता। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। तो और क्या करो? बात करो जाके। आप जाके बात कीजिए। क्यों? मैंने थोड़ी हंगामा डाला है जो मैं जाके उससे बात करूं? उससे बात मैं कर लूंगा, आप जाके उसके घर वालों से बात कीजिए। क्या बात करूं मैं? हाँ माफी मांगूं? अम्मी माफी मैं मांग लूंगा, आप जाके रिश्ते की बात कीजिए। किसके रिश्ते की बात हो रही है भाई? है कोई लड़की पसंद आ गई ऑफिस में? ये लो। दादो मैं छुटारा से शादी करना चाहता हूँ। हैं? क्या क्या क्या? अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? लड़के सितारा से शादी करेगा? ये मैं अगले महीने इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहीं से लेटर आया है, आप जब तक शौकत मामू से तारीख ले लीजिए। सुरैया ये तेरा बेटा क्या बोले जा रहा है? तू भी कुछ मुझसे बोल, फूट तो सही कुछ। अरे इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक कर। अजीब हो तुम भी। एक तो ये ठीक है, जब खुद का काम पड़ता है तो रात भर रोडों पे बिठा देते, जब हमारी बारी आती तो फोन तक नहीं रिसीव करते। कौन अवॉइड कर रहा है जनाब को? अरे भाभी आप? जी मैं। अरे भाभी आप खुद ही देखे ना, मुझे जॉब इंटरव्यू पे जाना है और मेरे पास एक फॉर्मल शर्ट नहीं है कि मैं पहन कर जाऊं। हाँ अब वो भाई के कपड़ों में से कोई एक शर्ट आयरन कर देंगे आप? एहतिशाम की शर्ट, उन्होंने अपनी सारी पुरानी शर्ट्स निकाल दी हैं, अब कोई भी शर्ट नहीं है। तोबा 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 तोबा, भाभी आप प्लीज झूठ मत बोलें, मैंने खुद अपने भाई को देखा है सुबह नई शर्ट पहन के जा रहे थे। लेकिन वो तो एहतिशाम की शर्ट्स है ना, वो मैं अपने जहेज में लाई थी, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे भाभी एक थोड़ी लाई होंगी, और भी होंगी ना। हैं तो बहुत सारी शर्ट्स एहतिशाम के पास, लेकिन सबसे पहले उनको एहतिशाम पहनेंगे, उनसे पहले कोई और पहने अब ये तो नहीं हो सकता ना। अरे एहतिशाम की कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये भी एक नंबर की कंजूस। टाइम बहुत हो गया, पता नहीं सभा कहाँ रह गई है। यू नो व्हाट, मैं देख कर आता हूँ, आई विल गेट हर। जब इंसान फोन नहीं उठा रहा होता ना, समझ जाओ उससे बात नहीं करनी तुमसे। क्या
तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? ओ भाई तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्या? बॉडी लैंग्वेज फोन पर? ओ हेलो, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, मैं कल कहकर भी गया था कि मुझे तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोई वास्ता नहीं रखना। क्या हो गया तुम्हें, वास्ता नहीं रखना? सरार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं, जो हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती ना मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी जिद थी, और जिद में मैं अपना पीस ऑफ माइंड खत्म नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम दोस्ती खत्म कर रहे हो? ओ भाई जो भी समझ लो, जो करना है कर लो, लेकिन मेरा इतना टेम्परमेंट नहीं है कि मैं तुम्हारी क्लास को हैंडल कर सकूं। सो डोंट कॉल मी नेक्स्ट टाइम, गेट इट? हेलो हेलो सो हेलो, बिल्कुल ठीक किया तुमने, इट्स जस्ट नॉट वर्क। या दे आर ऑल द सेम यार, ब्लडी लायर्स डूड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। Anyhow, by the way, यार, रजिया कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, नहीं? बनाती होगी यार, लेकिन तुमने देखा नहीं वो स्पून ऐसे घुमा रही थी? क्या मतलब, और स्पून कैसे घुमाते हैं? भाई कॉफी फेंटने के लिए ना स्पून को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, फिर बेहतरीन कॉफी बनती है। क्या, और ये किस किताब में लिखा है भला? ओ भाई कहीं नहीं लिखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किसे? अच्छा उसी लड़की को, राइट? मैं सभा को या जा। यार मुझे लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी बातें सुनाने के बाद भी तुम्हारी अकेले जाने की इतनी फिक्र क्यों थी? तुम ये वीडियो बार बार क्यों देख रही हो? मुझे अच्छी लग रही है, मतलब मैं तो बस इसी तरह सबके एंजॉय करने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब ये कि जैसे हम अपनी पसंद की वीडियो को रिप्ले करके देखते, इसी तरह कुछ लोग बार बार हमारी इंसल्ट करके एंजॉय करते। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझे फोन करके बताओ कि तुमने तो कोई मैसेज किया ही नहीं था, वो तो किरण ने किया। ये क्या कर रही हो? सच बताने के बजाय तुमने उसे ब्लॉक कर दिया। कितना अच्छा होता है कि मैंने उसे कभी सेव ही ना किया होता, ना ये बुलाता, ना ये मुकरता, ना वो बुलाती और ना ये भड़कता। खैर गया वक्त तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आइंदा आने वाले नुकसान से तो बचा जा सकता है।